नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूस में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं लता मंगेशकर जी की फाइट रानू मंडल जी के साथ में। दोनों में से किसके सुर ज्यादा ऊंचे लगते हैं और किसकी आवाज ज्यादा प्यारी और मधुर है, यही दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं लता मंगेशकर जी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में रानू मंडल जी की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है भाई लता मंगेशकर जी की यार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी और बहुत ही मधुर आवाज़ है इनकी। चाहे जितने भी गाने सुन लो, बस यही लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको रानू मंडल जी की परफॉर्मेंस। क्या बात है रानू मंडल जी की यार, कितनी सुरीली आवाज़ है इनकी। वैसे जो लोग रानू मंडल जी को जानते होंगे वो लोग हिमेश रेशमिया जी को जरूर जानते होंगे, बिकॉज हिमेश रेशमिया जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने रानू मंडल जी को कहाँ से कहाँ पे ला कर रख दिया है, बहुत ही ऊंचे मुकाम पर ला कर रख दिया है रानू मंडल जी को। अब बात कर लेते हैं लता मंगेशकर जी और रानू मंडल जी की कंपेयर की, कि दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है। तो भाई लता मंगेशकर जी के पास बहुत ही ज़्यादा रियाज है, तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है और बहुत ही गजब की आवाज़ है उनकी। लेकिन भाई रानू मंडल जी के पास कुछ भी नहीं है, ना रियाज, ना तजुर्बा, ना एक्सपीरियंस, ना ट्रेनिंग, फिर भी इतनी प्यारी और इतनी मीठी गायकी करती है कि मजा आ जाता है। तो वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा सिंगर ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में घंटा दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।